हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूनम और आप देख रही हो नेचुरल पूनम। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ड्राई स्किन के बारे में। तो जिन लोगों की स्किन जो है वो ड्राई है, तो उनके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो अपनी स्किन की देखभाल कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ड्राई स्किन होती है वो देखने में कैसी होती है, और उसके साथ ड्राई स्किन वाले लोग क्या खाएं क्या ना खाएं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो अपने फेस पर लगाकर हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पा सके। सो गाइस, बने रहे मेरी इस वीडियो में अंत तक, ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी बिल्कुल सही तरीके से मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जहाँ तक देखा जाता है, जो ड्राई स्किन वाले लोग होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो देखने में सुंदर और नाजुक दिखाई देती है, और उसी के साथ अक्सर ये देखा जाता है कि जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है उनकी स्किन टोन लाइट होती है। तो गाइस, अब हम बात करेंगे कि ड्राई स्किन वालों को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए जिससे कि उनकी स्किन और भी ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग बन सके। जैसे कि मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने ऑयली स्किन वालों के लिए वो वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी मैंने बताया था आपको कि उनमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी के पीने चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लगे। तो गाइस, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसका कि अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम अपने चेहरे पर एक अच्छा सा ग्लो ला सकते हैं। और उसी के साथ मैं आपको बताऊँ कि जब भी आप पानी पिए तो उसको एक बार में बिल्कुल भी ना पिए। आप बिल्कुल एक एक घूंट लेकर पानी को ख़त्म करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देगा। आपके फेस में ग्लो देने के साथ साथ ये आपके शरीर में कई तरह के जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको भी ये बाहर निकालता है। सो गाइज, ये तो रही पानी की बात, लेकिन अब हम कर लेते हैं खाने की बात। तो जैसे कि आप कोई भी फ्रूट्स खा ले तो ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ड्राई स्किन वाले अगर संतरे, पपीता और केले को अगर ज़्यादा खाएंगे तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनकी प्रेगनेंसी होती हैं, तो वो पपीते को अवॉइड करें। जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाएं प्रेग्नेंट होती है वो पपीते को नहीं खाती है, तो वो महिलाएं पपीते को अवॉइड कर सकती है। एक चम्मच चाय की पत्ती का पानी और एक चम्मच पपीते का रस लेकर हल्के हाथों से अपने फेस पर पैक की तरह लगाएं। 5 से 7 मिनट के लिए उसे आप वैसे ही अपने फेस पर छोड़ दें। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लें, तो ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो पपीते को अवॉइड करें, और पपीते की जगह आप केला या फिर शहद को लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई होने के साथ साथ आपकी स्किन पे काले दाग धब्बे हैं या फिर झुर्रियां हैं, तो अगली जो मैं होम रेमेडी आपको बताने वाली हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। 1 चम्मच अंडे का सफ़ेद भाग लें और उसमें 1/2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी को ऐड करें। उसको अच्छे से मिक्स करके उसका एक अच्छे से थिक पेस्ट बना लें। उसको अपने फेस पर लगा लें और उसे सूखने के लिए छोड़ दें। जब वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें, और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपकी स्किन से आपकी ड्राइनेस को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा, और उसी के साथ आपकी ड्राई स्किन में निखार लाने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ड्राई स्किन वालों को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वो नहीं करनी चाहिए। तो ड्राई स्किन वालों को बार बार अपना फेस जो है वो वॉश नहीं करना चाहिए, और ऐसी किसी भी क्रीम या मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल ना करें जो कि आपकी स्किन को और भी ज़्यादा ड्राई कर दे। उसी के साथ आपको मिल्क क्रीम का इस्तेमाल अपने फेस पे नहीं करना है, नींबू का इस्तेमाल करने से बचें। और गाइस, ऐसे फेस वॉश का इस्तेमाल करें जो कि आपकी स्किन को ड्राई ना करें, और ऐसे क्रीम्स और फेस वॉश का इस्तेमाल करें जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए ही बने हों। सो गाइज, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो, जो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंच सके।